हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड केयर। आज अपन देखने वाले मोबाइल सैमसंग का एक कीपैड मोबाइल है। इसका जो मॉडल है सैमसंग GTE 1207Y। इसको कस्टमर ने मेरे पास दिया था कि मोबाइल में नीचे गिरा दिया करके। उसके बाद मोबाइल चार्ज डालने के देखे, चार्ज डाल के भी देखे तो भी ऑन नहीं हो रहा है। चलो अभी अपन देखते हैं मोबाइल ऑन होता है क्या करके। मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, मोबाइल ऑन नहीं होते तो अपना मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर को पहला अपन पहले पहले यही काम करने का है अपन को। मैं अभी चेक करता हूँ बैटरी कनेक्टर को। देखिए ग्राउंड में रख दिया। पहले आपको मीटर को बीप के रेंज पर सेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी में सेट कर दिया। और एक साइड में सिम ट्रे के ऊपर रखता हूँ, ग्राउंड में जो मेरा प्लस लाइन है वहाँ पर रख दिया। और मैं अभी ग्राउंड पे देखो एक लाइन बैटरी कनेक्टर के लाइन पे देखता हूँ। देखिए तो आपको यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है। ये जो लाइन है कंटिन्यूटी का ही लाइन है तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस लाइन है। यहाँ पर रखने के टाइम पे भी यहाँ पे देखिए तो वोल्ट आना चाहिए अपन को यहाँ पर, लेकिन अपन को यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आ रहा है। सो इसमें अपन को वोल्ट आना चाहिए 200 या तो 300 ऐसा वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है, वोल्ट शार्ट हो गया है। चलो अपन इसको मोबाइल को ओपन करके बताता हूँ मैं आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का करके। सबसे पहले इसका मोबाइल का स्क्रू मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी मोबाइल शॉर्ट हो जाता है तो पहले आपको देखने का जगह यही है। ये जो बैटरी कनेक्टर के बगल में देखो पीछे है ना, यहाँ पे डायोड रखे है। देखो ये शॉर्ट होने जैसे भी शॉर्ट होने के कारण भी मोबाइल ऑन नहीं हो सकता है। अभी मैं ये डायोड को निकाल के देखता हूँ। पहले पहले आप उनको बैटरी कनेक्टर के सर्कल में देखना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा लेता हूँ यहाँ पर बैटरी कनेक्टर का। अपन जो कॉइल सॉरी डायोड है वो निकालते हैं। एक साइड निकालेंगे बस हो गया, ऊपर कर लो एक साइड से निकाल के। देखो निकाल दिया। और इसको निकालने के बाद अपन चेक करते हैं। अभी आपके सामने बताता हूँ। देखिए ग्राउंड में रख दिया। देखिए तो वापस भी बीप का ही साउंड आ रहा है, तो फॉल्ट ये जगह पे नहीं है। तो अपन को क्या करना है, जो पार्ट अपन निकाले थे, जो अपन अभी निकाले थे वो डायोड को वहां पर ही अपन को रख देने का। चलो अभी मैं इसको यहाँ पर ही रख देता हूँ। अच्छी तरह जैसे था वैसे ही रख दीजिए। अभी अपन को क्या करने का है, दूसरे जगह देखने का है। जो अभी अपन चार्जिंग डालते हैं चार्जिंग कनेक्टर के बाजू में, क्योंकि चार्जिंग कनेक्टर के बाजू में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो दिख रहा है आपको एक कैपेसिटर चार्जिंग कनेक्टर के बाजू में, यहाँ पर आपको चेक करना है। ये देखो यहाँ पर एक तरफ से बीप साउंड आ रहा है और ये दूसरी तरफ में भी होल्ड नहीं आ रहा है, बीप साउंड ही आ रहा है। तो आपको यहाँ क्या क्या करना है इसको निकाल के देखना है। चलो अभी इसको भी निकाल के देखते हैं। मैं भी इसको भी निकालता हूँ यहाँ पर से। मैंने जो कैपेसिटर को निकाल दिया, अभी भी अपन चेक करके देखते बैटरी कनेक्टर का पास ऐसा वोल्ट रीडिंग आ रहा है क्या नहीं करके। देखिए तो अभी भी ग्राउंड ही आ रहा है, अभी भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है।
चलो अभी ये दो जगह देख लिया अपुन, अब उनको तीसरे क्या, हाँ तीसरे जगह कहाँ देखना है? तो अपना जो बोर्ड का या जो प्लेट है ना, आईसी के ऊपर प्लेट आता है, शील्ड आता है, उसको निकालना है अपुन को। तो मैं निकालता हूँ, अभी यहाँ पर अपुन को देखने की जगह कौन से, पहले पहले जो अंदर ये जो शील्ड निकालने के अंदर अपुन को पहले पहले देखने का जगह नेटवर्क की जो लाइन है, वहाँ पे नेटवर्क के लाइन पे मैक्सिमम शार्ट होता है। ये जो नेटवर्क के कैपेसिटर है वहाँ पर अपुन चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर भी ग्राउंड ही आ रहा है, यहाँ पर भी ग्राउंड ही आ रहा है। जो बड़ा वाला कैपेसिटर है यहाँ पे, नेटवर्क का जो कैपेसिटर है, मेरा ख्याल से यही इसी का ही प्रॉब्लम से बैटरी कनेक्टर पे वोल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। चलो देखते हैं वो भी निकाल के। कैपेसिटर निकालने से कोई वादा नहीं, आपको मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होने के बाद, जो जो आप निकाले थे वो कैपेसिटर डायोड वो सब उसी जगह पे आपको रख दो, जिस जिस जिधर आपको फॉल्ट है उधर का खाली निकालेंगे तो बस हो गया। चल मैं इसको मैं रिमूव करके देखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे का एक कैपेसिटर निकाल दिया, नेटवर्क लाइन का है, जो जो नेटवर्क लाइन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत मोबाइल पे ऐसे रेडी किया हूँ, इसकी वजह से बोल सकता हूँ। चलो देखते हैं अभी, ये देखिए अभी आपको ग्राउंड नहीं आ रहा है, देखिए नजदीक बताता मीटर रख के, यहाँ पर देखिए अभी आपको रीडिंग आ रहा है, यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक साइड ग्राउंड और एक साइड रीडिंग, अपन को जो चाहिए रीडिंग, या तो आ गया 200 से ऊपर आ गया, कोई वादा नहीं, अभी आपका मोबाइल अच्छी तरह रेडी हो गया लगता है। चलो अभी भी बैटरी डाल के देखते हैं अपन। सॉरी ये बैटरी में चार्ज नहीं है, एक सेकंड मैं क्या कर डाल के देखता हूँ। अभी बैटरी डाल के देखते हैं, इसमें बैटरी में चार्ज नहीं था। देखिए आपका मोबाइल रेडी हो गया, ये अपना मोबाइल सारी रेडी हो गया। चलो दोस्तों आप देखे थे, जो वीडियो आपको पसंद रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भूले नहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.